हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। देखिए NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है, इसके नरोरा जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के द्वारा अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत अप्रेंटिसों की वैकेंसी निकाली गई है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म 27/6/2023 से भरना शुरू हो चुका है। इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, वो 18 जुलाई 2023 रखी गई है, और ऑनलाइन जो आवेदन पत्र है उसकी हार्ड कॉपी प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है वो 8 अगस्त 2023 रखी गई है। दोस्तों, इसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के पदों को शामिल किया गया है। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे इसी अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल जॉब्स की नई नई जानकारी और अपडेट्स। दोस्तों, हम आ गए हैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत अप्रेंटिस का इंगेजमेंट किया जा रहा है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट है 27/6/2023 से 18/7/2023। उसके बाद में आपको हार्ड कॉपी भिजवानी पड़ेगी, वो है 8 अगस्त 2023 तक। अब इसमें जो ट्रेड का विवरण दिया, सबसे पहले फिटर ट्रेड के लिए यहाँ पे टोटल 25 पद रखे गए हैं, और यहाँ पे जो स्टाइपेंड अमाउंट दिए, यदि आपने एक साल का ITI कोर्स किया हुआ है तो आपको 7,700 रुपये मिलेंगे, यदि आपने 2 साल का ITI कोर्स किया हुआ है तो आपको 8,855 रुपये मिलेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 9 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की 16 पोस्ट है। इस प्रकार टोटल जो पोस्ट है उसकी संख्या 50 रखी गई है। आयु की जो गणना है वो 18 जुलाई 2023 के अनुसार की जाएगी। इसकी मिनिमम एज 14 वर्ष और अधिकतम एज वो 24 वर्ष होनी चाहिए, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति और निशक्त जनों को छूट भी दी जाएगी। यहाँ अप्रेंटिस की अवधि है वो मैक्सिमम 1 साल के लिए रखी गई है। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दिया हुआ है, तो फिटर की 25 में से अनुसूचित जाति की SC की 5 है, OBC नॉन क्रिमिनल की 6, AWS की 2 है और अनरिजर्व की 12 है। इलेक्ट्रीशियन की 16 में से SC की 3 है, ST की 1 है, OBC की 4 है, AWS की 2 है और अनरिजर्व की 6 है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की बात करें, 9 में से SC की 1 है, OBC की 3 है, AWS की 1 है और अनरिजर्व की 4 है। टोटल 50 पोस्ट की बात करें तो 9 SC की है, 1 ST की है, OBC की 13 है, AWS की 5 है और अनरिजर्व की 22 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यदि अपन बात करें तो फिटर के लिए संबंधित ट्रेड में ITI पास आउट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रीशियन का ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का ITI का प्रमाण पत्र होना जरूरी। अब फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें अभ्यर्थी वो किसी भी रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए, वो फिजिकली फिट होना जरूरी है। इसके लिए उन्हें अपना मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करना होगा। अब जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर या इससे अधिक होनी चाहिए, वजन है वो 25.4 किलोग्राम या इससे अधिक होना चाहिए, छाती का फुलाव वह 3.8 सेमी होना चाहिए, और यहाँ पे चयनित अभ्यर्थी को ट्रेड अप्रेंटिस के रूप में लेने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा कॉरपोरेशन की आवश्यकता के अनुसार चिकित्सीय रूप से स्वस्थ पाए जाने के अधीन होगा, यानी आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। उसमें यदि आप फिट पाए जाते हो तो आपको आगे की प्रक्रिया में शामिल किया। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात यहाँ पे करें तो जो बुलंदशहर जो नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र है, इसके 16 किलोमीटर के एरिए में जिसका मूल निवास बना हुआ है, उसको भी यहाँ पे प्रायोरिटी प्रदान की जाएगी। अब जो सिलेक्शन होगा वो ITI में प्राप्त अंकों के समान प्रतिशत के आधार पे किया जाएगा, यानी आपने ITI में जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है उसमें जो आपने परसेंटेज अर्जित किए हैं उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशंस आपके लिए दी हुई है, नीचे अपन बात करते हैं तो कैंडिडेट को पुलिस वेरिफिकेशन भी प्रस्तुत करना होगा, उनका चरित्र और आचरण अच्छा होने के संबंध में। फिर आयु सीमा की जो गणना है वो 18/7/2023 के अनुसार की जाएगी। अब जो कैंडिडेट्स को क्या क्या डॉक्यूमेंट है, जिसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है वो हार्ड कॉपी के साथ आपको भेजनी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पेश करना है, तो इसमें जन्म तिथि के रूप में जो जन्म प्रमाण पत्र या SSC की अंक तालिका होनी जरूरी है। शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज ITI के प्रमाण पत्र व इसकी अंक तालिका, अनुभव प्रमाण पत्र यदि कोई है तो, और जाति प्रमाण पत्र OBC नॉन क्रिमिलियर के लिए के OBC नॉन क्रिमिलियर का जाति प्रमाण पत्र, AWS के लिए AWS का, PWD के PWD का, संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किया गया पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज की 4 फोटो।
अब आपको फिलअप कैसे करनी है, तो सबसे पहले जो जिन कैंडिडेट का अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में आपको npcil.co.in के ऊपर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र फिलअप करना है, जिसमें आपको सारी डिटेल्स है वो सही सही फिलअप करनी है। उसके बाद में आपको इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है और उसके ऊपर आपके हस्ताक्षर करके जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने ऊपर बताए थे वो सारे डॉक्यूमेंट उसको अटैच करके आपको 8 अगस्त 2023 से पहले पहले आपको उप महाप्रबंधक मानव संसाधन प्रबंधन नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र सही नरोरा डाक NPS टाउनशिप नरोरा जिला बुलंदशहर UP आपको भेजना होगा। यानी सबसे पहले आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, पहले अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। जिस कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता है उसका वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ, वो देख लेगी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। उसके बाद में आपको NPCIL की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिलअप करना है, सारी डिटेल्स फिलअप करने के उसका प्रिंट आउट लेके उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके उसको सेल्फ अटेस्टेड करके और आपको इस एड्रेस के ऊपर निर्धारित अवधि से पहले पहले भेजना है। दोस्तों जो भी अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक है वो इसमें अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बड़ा एंटरप्राइजेज है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट या हमारे चैनल हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नोटिफिकेशन का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों धन्यवाद।